हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर आप भी यहां का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी यूज़फुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ घूमने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, बोटिंग के चार्जेस क्या रहेंगे, होटल के प्राइजेस क्या रहेंगे, साथ ही साथ ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। हर हर महादेव। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी या मानदाता द्वीप पे स्थित है। इस पर्वत को ओम के आकार में होने के कारण ओमकार पर्वत भी कहा जाता है। देश में कहीं से भी आप यहां आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है खंडवा और इंदौर का। खंडवा से ओमकारेश्वर 75 किलोमीटर की दूरी पे है और इसको कवर करने के लिए आपके पास बस और प्राइवेट टैक्सी के ऑप्शंस मिलेंगे। बस के अप्रॉक्सीमेट चार्जेस हो सकते हैं 150 रुपीस, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके चार्जेस हो सकते हैं 1800 से 2000 रुपए तक। इंदौर से अगर आप आ रहे हैं तो लगभग 80 किलोमीटर का सफर आपको तय करना होगा, जिसके लिए आपको बस एंड टैक्सी के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। बस के चार्जेस लगभग 150 से 200 रुपए और प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस लगभग 2500 से 3000 रुपए के बीच में हो सकते हैं। और अगर आप यहां पे आने के लिए फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा आपको इंदौर का, और इंदौर से आप सेम प्रोसीजर में जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओमकारेश्वर पहुंचने में आपको 4 से 5 घंटे तक का ट्रैवल टाइम लग सकता है। ज़्यादातर यात्री ओमकारेश्वर में डे ट्रिप करना ही प्रेफर करते हैं, जिसमें इंदौर, उज्जैन या खंडवा से पहली बस लेके ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद दोपहर या शाम की बस लेके वापस चले जाते हैं। पर इन केस आप भी मेरे जैसे यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे जेपी चौक के आसपास बने छोटे से मार्केट में होटल्स और धर्मशाला के आपके पास काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ डबल ऑक्यूपेंसी एसी रूम के लिए मैंने 1200 रुपीज का टैरिफ पे करा। इस होटल में नॉन एसी फैमिली रूम्स भी अवेलेबल थे। बुकिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। काफी लोग इंदौर या उज्जैन से स्कूटी रेंट पे लेके भी ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आते हैं, पर मैं पर्सनली ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि रोड कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी और उज्जैन से ओमकारेश्वर 140 किलोमीटर ड्राइव करने में मुझे 6 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। मंदिर दर्शन को जाने के लिए आपको नर्मदा नदी को क्रॉस करके जाना होगा, जिसके लिए आप चाहें तो बोट भी ले सकते हैं। शेयरिंग बेसिस पे बोट के चार्जेस होते हैं 20 रुपीज पर सवारी, जिसमें आपको सिर्फ नदी को क्रॉस करके मंदिर किनारे बने घाट पर ड्रॉप करा जाता है। और शेयरिंग बेसिस पे अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं, जिसमें कि 3 से 4 पॉइंट्स भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि त्रिवेणी संगम, ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर मंदिर और विष्णु जी की 52 फीट लंबी विशाल स्वरूप के बोट द्वारा दर्शन भी कराए जाते हैं। इन केस आप मंदिर दर्शन के लिए बोट से नहीं जाना चाहते तो यहाँ बने झोला पुल से पैदल भी जा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम एक बार तो अपने इस ट्रिप में बोट राइड का एक्सपीरियंस जरूर करना। ये अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप सच में बोट राइड को एंजॉय करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम होगा इवनिंग का, जिसमें आप नदी के बीचों बीच बोट में बैठे बैठे सनसेट भी एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइस, इस वक्त मैं आ गया हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में और नर्मदा घाट पर खड़ा हुआ हूँ, और 4 पॉइंट विजिट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोट हायर कर ली है। अगर आप शेयरिंग पे जाना चाहते हैं तो 150 रुपये पर हेड पे आप शेयरिंग पे जा सकते हैं बोट पे, और अगर आपको वो रिजर्व करवानी है 1000 रुपये से 1200 रुपये के बीच में रेट रहता है। राइट, नाम बता अपना। रोहन केवट। तो ये छोटे से केवट है, रोहन नाम है इसका। ये मुझे पूरी दर्शन कराएगा 4 पॉइंट्स के, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराने ये लेके जाएगा साथ में। तो चले।
काफी यात्री ओमकारेश्वर आके 7 से 8 किलोमीटर की मंदिर परिक्रमा भी करते हैं, जिसमें नर्मदा नदी किनारे परिक्रमा मार्ग आपको लेके जाएगा नर्मदा कावेरी संगम घाट तक। मेरी विजिट के टाइम पे वाटर लेवल काफी हाई होने के कारण परिक्रमा मार्ग बंद था, पर आप चाहें तो ये जरूर कर सकते हैं। परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, और रोहन साथ में हमारे छोटू महाराज। तो गाइज, आप भी यहाँ पे इसी तरीके से नर्मदा नदी में स्नान कर सकते हैं, फिर उसके बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आगे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर में गर्भगृह दर्शन करने के लिए नॉर्मल लाइन के साथ साथ वीआईपी दर्शन के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। वीआईपी टिकट के चार्जेस हैं 200 रुपीज पर पर्सन, पर मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पीक सीजन टाइम यानी कि सावन के महीने या शिव जी का कोई पर्व वाले दिन के अलावा यहाँ रश नॉर्मल ही रहता है। तो यहाँ शूज स्टैंड में मैंने जूता चप्पल वगैरह रख दिए हैं। तो गाइस, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, मंदिर में आपको 4 बजे के बाद बेलपत्र या किसी भी तरीके का प्रसाद सामग्री नहीं चढ़ाने की परमिशन है। यहाँ पे नोटिफाइड भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी। तो अगर कोई आपको बहकावे में लाने की कोशिश करता है और प्रसाद वगैरह देने की कोशिश करता हो, बहकावे में बताइए, 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है अंदर। गाइस, ये है लाइव दर्शन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के श्रृंगार के। तो ये है द्वार ज्योतिर्लिंग के। इसके बाद मैं वीडियोग्राफी बंद करूंगा, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो यह नोटिफिकेशन लिखी हुई है गर्भगृह में वीडियो लेने पर मोबाइल जब्त किया जा सकता है। और द्वार पे ही गणपति जी के चरण छू के एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस, ये है गर्भगृह अंदर, और अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। मैंने महाराज जी से परमिशन भी लेने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा एक आध फोटो आप ले सकते हो, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो गाइज, यहाँ पे समिति का काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप महाप्रसाद भी ले सकते हैं। 4 लड्डू की 50 रुपीज और 8 लड्डू 100 रुपीज। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मैं ऊपर आ गया मंदिर पे, महाकालेश्वर मंदिर पे, और यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है वो बहुत खूबसूरत है। सनसेट का व्यू भी यहाँ से मिल रहा है, नर्मदा नदी भी यहाँ से दिख रही है, और वो ब्रिज भी दिख रही है जो वॉक करने के लिए यूज़ होती है। आप चाहें तो ओमकारेश्वर मंदिर में 3rd फ्लोर पर मौजूद पुजारी या पंडित जी से संकल्प पूजन भी करा सकते हैं। तो गाइज, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं अंदर की क्लिपिंग्स आपको, गर्भगृह की क्लिपिंग्स मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। और अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी बोट में। तो गाइज, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे नर्मदा नदी की आरती होती थी, बट 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के कारण जो भी साधन था, तखत वगैरह, सारा बह गया था। इस कारण से फिलहाल आरती मंदिर में ही हो रही है ऊपर, तो यहाँ पे घाट पे कोई आरती नहीं हो रही, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो गाइज, ये है रोहन केवट, और इसने ना सिर्फ मुझे 4 पॉइंट दर्शन कराए, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराए साथ रह के मेरे, और पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से इसने मुझे गाइड भी कराया। तो अगर आप इसकी बोट में आएंगे, आपको एक केवट के साथ साथ एक गाइड फ्री में मिलेगा। तो आप यहाँ पे, आपका अगर आना हो और बोटिंग करना चाहते हो, तो रोहन केवट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
गाइस इस तरीके से आप भी दीपदान कर सकते हैं नर्मदा माता को। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर है, बट जो मेन मंदिर है वो अब चौथा मंदिर जो मेरा बचा हुआ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद, वो है ममलेश्वर महादेव मंदिर। और रोहन मुझे वहाँ लेके जा रहा है, तो चलते हैं आगे दर्शन के लिए। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ दूसरे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, श्री ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर। ओमकारेश्वर में आपको दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मौका मिलेगा, एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। मान्यता के हिसाब से दोनों ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन जब ज्योतिर्लिंग की गणना हो रही थी तो इन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि ओमकारेश्वर दर्शन के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अनिवार्य है, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर दर्शन के बाद आप भी चाहें तो जेपी चौक पर बने छोटे से मार्केट से सोविनियर शॉपिंग कर सकते हैं। ये सारे शिवलिंग यहाँ पे रेडी हैं और ये सब फॉर सेल है, इनकी प्राइसिंग नहीं पता लेकिन बहुत सही लग रहा है। इसका आपने बताया 40,000 ये वाले का। तो सारे मंदिर दर्शन करने के बाद मैं आया हूँ चाय पीने के लिए भैया की शॉप पे और चाय पीते हैं। खाने पीने के भोजनालय या बेसिक लेवल के रेस्टोरेंट के यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको अगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसाद चाहिए तो यहाँ पे काउंटर है, उसमें लिखा हुआ पूरे भारत में घर पहुँच सेवा उपलब्ध है, मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और आप चाहें तो शाम को कुछ टाइम यहाँ पे बने ब्रिज पे भी स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर का बहुत ही सुंदर नाइट व्यू मिलेगा। तो गाइस सारे मुख्य मंदिरों का दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ उसी ब्रिज पे जो कि वॉक करके कनेक्ट करता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को। और यहाँ पे आने के बाद इतनी मन को शांति मिल रही है, ठंडी हवा चल रही है, लाइटिंग वगैरह बराबर करी हुई है, नदी के यहाँ से सीधे सीधे दर्शन हो रहे हैं रात के टाइम के, और बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है और सुकून मिल रहा है आने के बाद। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे वॉक करने के लिए ज़रूर आइए। छोटा सा मार्केट भी है, कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। 3 दिन के अंदर मैंने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी कराए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। और अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक बटन को नीचे जाकर प्रेस कर दीजिएगा। प्यार तो व्यूज़ के रूप में बहुत मिल रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा, आपको क्या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।